मॉर्निंग, मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला इस शहर में। इससे पहले कि शुरू करें हम कुछ सफर, डाल लेते हैं कुछ जरूरी बातों पर एक नजर। साहब, आज हम आ गए हैं उस शहर में जिसे कहते हैं नवाबों का शहर। लोग यहां आते हैं, नवाबों की बनाए हुए इमामबाड़े देखते हैं, रेजिडेंसी देखते हैं, अंग्रेजों की विधानसभा भवन देखते हैं, गलौटी कबाब खाते हैं, चाट खाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन हम आपको आज कुछ अनजानी अनदेखी चीजें दिखाएंगे, जगह दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। आइए जनाब, आप लखनऊ में हैं, थोड़ा मुस्कुराइए। लखनऊ इतिहास का शहर है, तहजीब का शहर है, नवाबों का शहर है, इमारतों का शहर है। जिसने भी यहाँ राज किया, इमारतों की शक्ल में अपनी छाप छोड़ गया और आज भी ये सिलसिला जारी है। यहाँ कदम कदम पर पुरानी इमारतें अपनी कहानियाँ बता रही हैं, चाहे वो मशहूर इमामबाड़ा हो या फिर लामाटेनिया कॉलेज की ये बिल्डिंग, जिसे पहले कॉन्स्टेंशिया भी कहा जाता था। कुछ के बारे में हम जानते थे, कुछ के बारे में हमें आज जानना था। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में लखनऊ आने वाले यूरोपियन विजिटर्स के लिए ये जगह एक खास जगह थी, उनको बहुत पसंद थी। लग रहा ना किसी अंग्रेज ने बनाई है। जनाब, ये जगह बनाई है लखनऊ के पांचवें नवाब सादत अली खान ने, और वो भी इसलिए, उन्होंने देखा कि क्लॉड मार्टिन ने बनाया है नदी किनारे, जहाँ आज लामाटेनिया कॉलेज है वो बिल्डिंग, तो उन्होंने कहा उसके जवाब में हम भी बनाएंगे मूसा बाग। लखनऊ में एक जमाने में काफी इमारतें यूरोपियन तरीके की बनी थी, वक्त के साथ कुछ रह गई कुछ ढह गई। कहते हैं पैगंबर मूसा के नाम पर इसका नाम मूसा बाग पड़ा, पर एक और ऑल्टरनेटिव थ्योरी है बहुत मजेदार की, चूंकि फ्रांसीसी आर्किटेक्चर को जवाब देने के लिए इसका निर्माण किया गया था, तो फ्रेंच वर्ड मस्यो के से अपभ्रंश होकर के बन गया मूसा और गार्डन था तो हो गया बाग। फिर आया 1857, गदर की आग में पूरा मुल्क जल उठा। ये आग लखनऊ भी आई और यहाँ मोर्चा संभाला था बेगम हजरत महल ने। 1857 के गदर का भी ये गवाह रहा है मूसा बाग। कहते हैं कि बेगम हजरत महल का ये आखिरी मोर्चा था। यहाँ हारने के बाद, यहाँ की लड़ाई के बाद वो नेपाल चली गई। एक कैप्टन वेल्स नाम के अंग्रेज की यहाँ पर मौत हुई 1858 के मार्च में कहीं, और उनको भी यहीं दफना दिया गया है। मूसा बाग से आगे बढ़े तो हम पहुंचे एक और अनजानी जगह। अर्ज किया है कि दिले नादां तू इतना उदास क्यों है, नादां महल में इतना बयाबां क्यों है। ये शायद लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में सबसे पुरानी धरोहर है जो बची हुई है, लेकिन यहाँ कोई है नहीं इसको पूछने वाला। नादान महल अकबर के वक्त में, जो लखनऊ के गवर्नर हुआ करते थे इब्राहिम चिश्ती, ये उनकी याद में बना है, उनकी मज़ार है। मुगल शिल्प कला की खूबसूरती दिखाता यह मकबरा अब बंद ही रहता है। मजार बंद ही रहती है बाबा, खुलती नहीं है कभी। गुंबद अंदर से अष्टभुज की तरह बना है और नीले और हरे टाइल्स से सजाया गया था। मकबरे के सामने ही ये 16 खंबा पवेलियन है, जहां 5 कब्रें हैं। इस पवेलियन के इन 16 खंबों पर काफी सुंदर कारीगरी की गई थी। इन खंबों पर बने चिन्ह जैसे कि गजमुख वास्तुकला के इंडो इस्लामिक कुल की नुमाइंदगी करते हैं, लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं। वहां से आगे निकले तो रास्ते में दिख गया एक बोर्ड फिरंगी महल, तो हमारे अंदर के घुमक्कड़ शास्त्र के विद्यार्थी जाग उठा। हम निकल पड़े गलियों में ढूंढने फिरंगी महल। अरे मास्टर साहब, ये बताइए कि ये जो फिरंगी महल ओरिजिनल बिल्डिंग है वो कहाँ पर होगी? ये है साहब, ये वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंदर गए तो दिखा एक बहुत पुराना घर, जिसके एक हिस्से में मरम्मत हो रही थी। तो साहब, देखा आपने सड़क पे दिखा बोर्ड और ढूंढते ढूंढते गलियों में सिर्फ आपके लिए हम पहुंच ही गए फिरंगी महल। फिरंगी सुन के लगता है किसी अंग्रेज ने बनवाया होगा। नहीं भाई साहब, ये एक फ्रेंच जेंटलमैन थे नील नाम के, और औरंगजेब के जमाने में थे जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाया। उस जमाने की ये बिल्डिंग है। मैं मिल गए सरफराज भाई। सरफराज भाई, औरंगजेब के जमाने में बनी थी, लेकिन उसके बाद आगे की इतिहास क्या है इसका? आगे की इतिहास यहाँ का जो भी है, वो एक बहुत ही अच्छा पैगाम यहाँ से हमेशा अपने मुल्क के लिए जाता रहा।
जैसे कि पहले जो है गांधी जी भी यहाँ आके रुकते थे और उनका पीछे साइड में जो है वो थोड़ा सा रेनोवेशन वगैरह जो है होने है, अभी चल रहा है काम। तो गांधी जी यहाँ रुकते थे, इसी इमारत में रुका करते थे? जी जी, इसके पीछे साइड में रुकते थे। और उन लोगों का जो एक इतिहास रहा है, हिस्ट्री जो रही है, ऐसा पैगाम कौमी एकता के लिए कि जो अमन और शांति का पैगाम हमेशा इस मरकज़ से वो जाता रहा और आज भी जो है वही पैगाम इस मरकज़ से जाता है। चलिए साहब, खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी और इंशाल्लाह बुलंद ही रहेगी, कौमी एकता देश में कायम रहेगी और इस तरह हम आपको अलग अलग जगह दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। इसके बाद हम पहुंच गए दिलकुशा कोठी। इस भव्य कोठी का निर्माण नवाब सादत अली खान के काल में इंग्लिश बरोक शैली में लखौरी ईंटों से किया गया। नवाब के दोस्त ब्रिटिश रेजिडेंट गोर ऑजले ने इसका प्रारूप तैयार किया था। ये इमारत अवध के नवाबों के लिए शिकारगाह के साथ गर्मियों के लिए आरामगाह भी थी। एक जमाने में इस इमारत ने काफी शान शौकत देखी है और अपने नाम के मुताबिक नवाबों से लेकर अंग्रेज मेहमानों तक सबको यादगार खुशी दी है। What's in a name, said the great bard, मतलब नाम में क्या रखा है, ऐसा शेक्सपियर ने कहा था। दिल खुशा का मतलब हुआ जहां दिल खुश हो। एक ब्रिटिश एक्ट्रेस थी उस जमाने की, मैरी लिनले टेलर, जब वो यहां आई तो इतनी खुश हुई इस जगह से, उन्होंने कहा दिस इज पैलेस ऑफ हैप्पीनेस। उन्होंने कहा जब मैं अपना घर बनाऊंगी तो इसका नाम रखूंगी दिल खुशा। बाद में उन्होंने कोरिया में सियोल में अपना घर बनाया और उसका नाम रखा दिल खुशा। सामने ही है ये भवन जिसकी दीवार से लगकर ये भाई साहब मॉडलिंग के लिए तस्वीरें खिंचा रहे हैं। इसे वाजिद अली शाह ने अपने शासन के शुरुआती दिनों में ही बनवाया था और यहाँ अपनी पलटनों के सैनिक अभ्यास के लिए मैदान को साफ करवाया था। अंग्रेजों ने इस पर आपत्ति जताई और यह अभ्यास बंद करने को कहा, जिसे नवाब ने नकार दिया। इस माहौल में यहाँ दो कब्रें देखकर बड़ा अजीब सा लगा, तो पता लगाया कि ये दो ब्रिटिश अधिकारियों की कब्रें हैं। एक लेफ्टिनेंट डैशवुड, जो 1857 में यहाँ पे लड़ते हुए मारे गए थे क्रांतिकारियों के साथ, दूसरे लेफ्टिनेंट पॉल, जो कि सिकंदर बाग में मारे गए थे। कभी जहां जंगल थे, शिकारगाह थी, वहां आज पार्क हैं। इस इमारत के खंडहर अवध की नवाबी शान शौकत और फिर 1857 के गदर की कहानियों के गवाह हैं। खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। ये तो खैर इंग्लिश बरोक स्टाइल में बनी हुई इमारत है, लेकिन बात आर्किटेक्चर की निकली तो एक बात बताना जरूरी है, वो है दो मछलियों की कहानी, जो है बहुत पुरानी। अवध की इमारतों पे दो मछलियों का साइन हमेशा देखने को मिलता है। इनफैक्ट यूपी गवर्नमेंट का जो अभी भी लोगो है उसमें दो मछलियां हैं। उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बार सादत खान नवाब जो थे, सादत खान बुरहानुल मुल्क, फरुखाबाद से लखनऊ आ रहे थे जब वो यहाँ के गवर्नर बनाए गए। कहते हैं गंगा से दो मछलियाँ कूदी और उनकी गोद में आ गिरी, इसे बड़ा शुभ माना गया। तब से अवध की इमारतों पर, अवध की चीज़ों पर ये दो मछलियों का लोगो जो है हमेशा दिखाई पड़ता है। इस इमारत पर नहीं है, लेकिन आपको लेके चलते हैं ऐसी इमारत में जहां वो दो मछलियां आपको दिखाई पड़ेंगी। ये सिकंदर बाग है। इसका निर्माण अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम सिकंदर महल के नाम पर किया था। उस वक्त इसके निर्माण पर और बाग लगाने में करीब 5 लाख रुपए खर्च हुए थे और करीब 1 साल का वक्त लगा था। मूल निर्माण में से केवल कंगूरेदार चहरदीवारी के अवशेष, एक छोटी मस्जिद और प्रवेश द्वार ही दिखते हैं। वैसे तो शहर के बीचों बीच है ये जगह, लेकिन ऐसे देख के लगता नहीं है कि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके बारे में या कोई लोग यहाँ आते हैं जानने के उत्सुक होकर के। एक कोने में ये खंडहर याद दिलाते हैं 1857 की। 16 नवंबर 1857 को सिकंदर बाग में अंग्रेजों और स्वतंत्रता सेनानियों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें सैकड़ों अंग्रेज और करीब 2000 हिंदुस्तानी मारे गए। अंग्रेज सिपाही जब 1857 में क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए, उनसे लड़ते हुए जब यहाँ पर आए, यहाँ पे उनको एक तरह का रेजिस्टेंस मिला, उन्होंने हमला किया, फिर उन्होंने देखा कि एक जगह वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे ही वहाँ से वो आगे बढ़ते थे, एक पेड़ के नीचे चबूतरा था वहाँ पर, तो अचानक कहीं से गोली आती धाँ से और वो सिपाही गिर जाता था। तब कप्तान को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसने इशारा किया पेड़ की तरफ और सैनिकों ने दे दन 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 पेड़ पर गोलियां मारी। ऊपर से एक लाश गिरी, वो एक महिला की थी, महिला वीरांगना जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी। बहुत समय तक उन्हें अज्ञात वीरांगना के रूप में जाना गया, बाद में उनकी पहचान हुई। उनका नाम था उदा देवी। उदा देवी की यह मूर्ति यहाँ इस पार्क में है
लेकिन पास के चौराहे पर भी इनकी एक मूर्ति लगी हुई है वीरांगना के रूप में। सिकंदरबाग चौराहे से हम चल पड़े चौक की तरफ। आखिर आपको लखनऊ की एक कला से भी तो वाकिफ कराना था, लखनऊ की चिकनकारी। लखनऊ आए और चिकन की बात ना हो तो हो नहीं सकता। खाने वाला चिकन नहीं, ये पहनने वाला चिकन है। और मैं ढूंढते ढांढते पहुंच गया मीतू भैया के पास। ये क्या है चिकन, पहले तो मुझे बताइए चिकन की कला होती क्या है, चिकनकारी होती क्या? चिकन सर ये हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है पूरी। पहले हम लोग फैब्रिक होता है, प्लेन फैब्रिक होता है, उस पर हम लोग ब्लॉकिंग करते हैं। इसके ऊपर धागे कौन से कलर लगते हैं वो पहले मैं चूज़ करता हूँ। उसके बाद जो एजेंट होते हैं गाँव से उनको मैं देता हूँ एम्ब्रॉयडरी के लिए। गाँव में क्या, अब शहर में भी बनता है काम, शहर में बट ये बहुत महंगा बनता है, गांव में जाके बहुत सस्ता बनता है। सपोज़ यही पीस हमारा है, अगर हम ये पीस यहाँ शहर में बनाते हैं तो ये 1500 रुपये बनेगा, और यही चीज़ हम गांव में बनाते हैं तो ये हमारा 800 रुपये। और एक गांव वाले का फ़ायदा भी हो जाता है, रोज़गार मिल जाता है। रोज़गार मिल जाता है उनको। सर आपका सूट पीस होता है, इसमें आपका काम हो सकता है, जैसे मुकेश है, गोटा पत्ती है। चिकन में ये एक खासियत है कि आपको जो है अगर ये स्टॉक आया है तो अब इसके बाद जो स्टॉक आएगा उसमें आपको यही कढ़ाई नहीं मिलेगी। हाँ। छपाई के लिए लाट पे चढ़ता है, लाट पे छपता है, उसके बाद वो लाट समझ लीजिए हम लोग की आखिरी लाट है। ये टेंची है आपको वैसा ही दिखेगा पूरा, किधर से आप खुद नहीं पहचान सकते, हम लोग ही नहीं पहचान पाते सर की हम लोग खुद चिकन वाले होकर नहीं पहचान पाते किधर से सही बना है किधर से वो है। चिकन के ऊपर भी ये एक्स्ट्रा वर्क भी होता है सर, जैसे कि हमने इसमें किराया रखा हुआ है। अब ये चिकन है ये पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी, उसके साथ ये बादले काम बनता है सर। ये पहले तो केवल ये प्योर कॉटन पे बनता था, अब तमाम कपड़े आ रहे हैं सर इसमें। अब तो ये कला दूर दूर तक फैल गई है, विदेशों में जाता है, विदेशों में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मीतू भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब साहब चिकनकारी का काम देख लिया चौक में, अब जरा आगे बढ़ते हैं गलियों में, देखते हैं यहाँ पे खास खाने को क्या मिलता है। चौक आए और कुछ खाए ना, ये हो ही नहीं सकता, मुंह मीठा करना तो बनता था। दिल्ली में कहते हैं दौलत की चाट, अब बनारस में कहते हैं मलइयो। तो हमने जब मुन्ना भाई से कहा तो उन्होंने कहा खइयाओ की बांध के ले जाइयो, तो हमने कहा खइबा और बांधो के ले जाइबा। अगर लखनऊ की मक्खन मलाई आपने नहीं खाई तो मेरे भाई जिंदगी आपने यूं ही गंवाई। तो साहब अर्ज किया है कि गजर ने किया है इशारा कि सफर का वक्त पूरा हो गया है हमारा, आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। वैसे जो घंटाघर आप देख रहे हैं क्लॉक टावर, इसका निर्माण भी एक अंग्रेज सर जॉर्ज कूपर के स्वागत में किया गया था। चलिए साहब लखनऊ के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नया बनाते खाते या फिर कुछ ऐसी ही अनदेखी अनजानी जगहों के बारे में जानते घूमते घुमाते। ABP News, आपको रखे आगे।